तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में एक बार फिर से। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं रेडमी 10i का कैमरा टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये बॉक्स मैंने रेडमी 10i का ओपन किया है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं इसका कैमरा टेस्ट। तो भाई आपको पता है कि इसमें चार कैमरे देखने को मिल जाते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो 108 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा की तो 8 मेगापिक्सल की आपको देखने को मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड सेंसर, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ आपको प्रोवाइड किया गया है। बात करें दोस्तों इसमें फंक्शंस की तो स्लो मोशन, 4K, EIS आपको सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और भाई इस वीडियो में पूरा हम जानेंगे 108 मेगापिक्सल में कैसी फ़ोटो आती है निकल कर, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज़ का आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर इसके सेल्फी कैमरे की तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जिसमें आप फुल HD वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर नॉर्मल शॉट से। तो भाई जो नॉर्मल शॉट है इस फ़ोन में आप देख सकते हैं, यार भाई क्या बात है इस कैमरे की। तो डायनामिक रेंज आपको यहाँ पर ऑसम देखने को मिलती है, 22,000 रुपये खर्च करके दोस्तों आपको बिल्कुल भी यहाँ पर दुख नहीं होने वाला है। तो ये तो मैं दोस्तों गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। बात करें दोस्तों मैक्रो की तो इसमें आप मैक्रो भी शॉट ले सकते हो और जो क्वालिटी है मैक्रो की इस बार मैं कहूँगा यार दोस्तों सही है, बिल्कुल सही है। उतनी बुरी देखने को आपको नहीं मिलेगी जितनी कि आपको बजट स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, वहाँ पर दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन उतने अच्छे से की नहीं होती है। बात करें दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन शॉट की तो भाई यार आप देख सकते हैं क्या क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आई है। और ये दोस्तों सिंपल मोड में मैंने ली है, कोई 108 मेगापिक्सल का यूज़ इस फोटो में नहीं किया है। आप दोस्तों स्किन टोन देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट है, आपको यहाँ पर कोई भी कमी नज़र नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p पर एट 60 FPS पर दोस्तों, और आप देख सकते हैं भाई क्या बात है यार। और इसमें EIS यहाँ पर मोड मैंने ऑन कर रखा है। और जो दोस्तों इसकी डायनेमिक रेंज है वीडियो में भी आप देख सकते हैं स्काई की, और भाई क्या बात है। तो मैं बोलूँगा यार परफेक्ट है, वीडियो में आपको कोई भी कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट की तो आप देख सकते हैं भाई पोर्ट्रेट शॉट भी यहाँ पर गजब का निकल कर आया है। तो काफ़ी दोस्तों अच्छा लग रहा है मुझे इस फ़ोन का यहाँ पर रिव्यू करते हुए, क्योंकि यार दोस्तों आप देख सकते हैं जो डिश है दोस्तों दोनों ही वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फोकस में आए हैं, और जो दोस्तों बैकग्राउंड है वहाँ पर आपको नेचुरल ब्लर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बात है यहाँ पर सब कुछ ऑप्टिमाइजेशन का, और एडिज आप दोस्तों क्लियरली नोटिस करोगे कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड यूज़ किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हम 108 मेगापिक्सल की। तो भाई दोस्तों बिल्कुल आपने सही सुना, 108 मेगापिक्सल में ये फ़ोटो क्लिक की है। और भाई अभी मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊंगा, जो आपको यहाँ पर बैनर दिखाई दे रहा होगा बिल्डिंग के ऊपर उसको मैं आपको यहाँ पर एक बार जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अभी सबसे पहली बार जूम किया है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वालिटी में दोस्तों अभी तक बिल्कुल भी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है दोस्तों। और जो कलर है दोस्तों उसमें भी अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है दोस्तों। थोड़ा और जूम करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्का सा दोस्तों वाइट बैलेंस ज़्यादा हो चुका है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं दोस्तों, बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा, और उतना ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा ओरिजिनल फ़ोटो से। दोस्तों जब मैंने यहाँ पर और ज़्यादा जूम किया तो आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर नोटिसेबल है कि क्या लिखा है इसके ऊपर, अगर आप फ़ोन नंबर पढ़ना चाहो तो वो भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो भाई क्या बताऊँ यार, 108 मेगापिक्सल नाम का नहीं दोस्तों काम का ये यहाँ पर कैमरा है। तो बात करते हैं दोस्तों एक और शॉट की, ये भी दोस्तों 108 मेगापिक्सल है, और इसमें मैं दोस्तों आपको जूम करके दिखाऊंगा एक बिल्डिंग और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी। अब मैंने दोस्तों एरो लगाया तो इसको दोस्तों हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं, और दोस्तों जब मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यार कि कितनी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आती है इस कैमरे में। जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है दोस्तों वो भी काफ़ी सही है, और इसको दोस्तों एक बार मैं अभी और जूम करके दिखाऊंगा क्योंकि अभी ये और जूम यहाँ पर होती है। तो दोस्तों जब मैं इसको और जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं भाई क्या क्वालिटी निकल कर आती है। तो ये फ़ोन दोस्तों अगर आप 22,000 रुपये या 20,000 रुपये खर्च करना चाहते हैं तो ग्रंटेड इस फ़ोन के ऊपर दोस्तों खर्च करिए, और कोई आपको यहाँ पर कैमरा से रिलेटेड दिक्कत आने वाली नहीं है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वालिटी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और बात करूँ अगर मैं यहाँ पर सेल्फ़ी की तो सेल्फ़ी में दोस्तों अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो उतना अच्छा मैं दोस्तों नहीं बोलूँगा, थोड़ी जो वाइट टोन है दोस्तों वो इस सेल्फ़ी में हल्का सा देखने को आपको मिल जाएगा।
तो नॉर्मल शॉट दोस्तों कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप पोर्ट्रेट शॉट इस फ़ोन से लोगे तो काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा, आप इस फोटो में देख सकते हैं यार। और ब्लर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हुआ है, और मैं आपको एजेस यहाँ पर दिखा दूँ तो एजेस में दोस्तों आप देखेंगे कि ब्लर की ज़्यादा कोई यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पर वाइड एंगल की, तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। तो वाइड एंगल में दोस्तों क्वालिटी तो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो कॉन्ट्रास्ट और डायनेमिक रेंज है वो काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको एक डेडिकेटेड नाइट मोड देखने को मिलता है, और भाई क्या बताऊँ मैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर लेता है। इतना अंधेरा था उसके बाद भी दोस्तों इसने काफ़ी अच्छे से दोस्तों यहाँ पर वर्क किया है। तो दोस्तों यार इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको मैं सेल्फी की थोड़ी बहुत वीडियोस लेकर आऊँगा, और साथ में यहाँ पर आपको मैं स्लो मोशन का भी बता दूंगा कि आप स्लो मोशन वीडियो इसमें कैसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों तब के लिए बाय, और वीडियो अप्लाई करना मत।